फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह, वेलकम स्टडी बाय थर सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, कल हम लोग 50 क्वेश्चन को कवर किए थे, आज 51 क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, 100 क्वेश्चन तक कवर हम करेंगे, यानी कि 50 क्वेश्चन का आज भी टारगेट है। तो आप वीडियो को फुल वॉच कीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दिया कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं 51 क्वेश्चन से। निज़िम एज़किल्स पोएम बैकग्राउंड कैजली रिफ्लेक्ट्स, ठीक है, पीजीटी 2005 में पूछा था। आप बताएंगे कि निज़िम एज़किल की जो पोएम है बैकग्राउंड कैजली, ये रिफ्लेक्ट्स है यानी कि दर्शाती है, ठीक है, इन फोर ऑप्शन में से क्या दर्शाती है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। फर्स्ट है हिज फीलिंग ऑफ एलिनेशन, हिज लिव फॉर रूरल लाइफ, हिज लव फॉर रिलीजन, नन ऑफ एबव। इन फोर ऑप्शन में से आपको बताना है कि निज़िम एज़किल की जो पोएम है बैकग्राउंड कैजली, ये रिफ्लेक्ट्स करती है, दर्शाती है, तो वो फ्रेंड्स दर्शाती है हिज फीलिंग ऑफ, इसका राइट आंसर ए है, यस राइट आंसर इसका ए है, फीलिंग ऑफ एलिनेशन, ठीक है, उसकी अलगाव की भावना, ठीक है, राइट आंसर इसका ए है। नेक्स्ट देखते हैं 52 क्वेश्चन को, हु रोट दिज लाइन्स, ये पीजीटी 2003 में पूछा था। आई कैन नॉट लीव दिस आइसलैंड, आई वॉज बॉर्न हेयर एंड बिलोंग, ये इस बात को कह रहे हैं कि हु रोट दिज लाइन, जो ये लाइन है, ठीक है, इन फोर ऑप्शन में से किसकी है। आई कैन नॉट लीव दिस आइसलैंड, ये इस बात को कह रहे हैं कि मैं इस द्वीप को नहीं छोड़ूंगा, आई वॉज बर्न, कि यहीं मैं पैदा हुआ हूँ, एंड बिलोंग, मैं यहीं का हूँ, मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तो ये लाइन किसकी है, इन फोर ऑप्शन में से आपको बताना है। कमला दास है, ठीक है, टी एस एलियट का है, वाइटमैन एज़किल है, तो इन फोर में से आपको राइट आंसर बताना है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर है डी, ठीक है, राइट आंसर डी है, एज़किल है, ठीक है, राइट आंसर डी है। 53 क्वेश्चन को देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिटेन अर्थस द राइट प्लेस फॉर लीव, पीजीटी 2004 में ये क्वेश्चन पूछा था। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिटेन, ठीक है, ये जो फोर ऑप्शन में से ये किसने लिखा है कि अर्थ राइट प्लेस है रहने के लिए, ठीक है, पृथ्वी रहने के लिए सही जगह है, इन फोर ऑप्शन में से कौन लिखा है, ये देखिए पीजीटी 2004 में पूछा था। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर है बी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, राइट आंसर इसका बी है। 54 क्वेश्चन को देखते हैं, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये पीजीटी 2000 में पूछा था, 4 में पूछा था, 2013 में भी पूछा था ये, और ये जो पोएम की लाइन है इसको आप इंटर में पढ़ भी चुके हैं, 10+2 में इसको आप पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं, एंड मील्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड मील्स टू गो बिफोर आई स्लीप, इन विच पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है, ये तो पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है, ये आपको यहाँ पे पता चल गया, डू द एबव लाइन अकर्स, ठीक है, ये लाइन रॉबर्ट फ्रॉस्ट के किस पोएम की है आपको ये बताना है। स्टॉपिंग बाय वुड्स, राइट आंसर इसका सी है, ठीक है, ये जो लाइन है एंड मिल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड मिल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, इस लाइन को आप ध्यान में रख लीजिए, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है, स्टॉपिंग बाय वुड की ये लाइन है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। 55 क्वेश्चन को देखते हैं कि 55 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, ठीक है, जो गुड फेंसेस होते हैं वो गुड नेबर्स यानी गुड, यस दिस लाइन अगर से इन विच पोएम ऑफ फ्रॉस्ट, ये पीजीटी 2005 और 10 में पूछा था, इसको आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है बी, ठीक है, इसका राइट आंसर है बी, इसका राइट आंसर है मेडिंगवाल, ठीक है, यस बी इसका राइट आंसर है फ्रेंड, ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये जो लाइन है गुड फ्रेंड्स मेक गुड नेबर्स, जो गुड फ्रेंड्स होती हैं, एक फ्रेंड्स एक जो सराउंड होता है, बाढ़ होता है जो बनाता है, वो गुड नेबर बनाता है यानी गुड पड़ोसी बनाता है, तो ये लाइन रॉबर्ट फ्रॉस्ट के किस पोएम की है
तो वो मेडिंग वॉल की है, ये पीजीटी 2005 और 2010 में पूछा था। ठीक है, 56 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लव विद एनिमल्स, दिस लाइन आर ओपनिंग लाइन्स। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे, ओपनिंग लाइन्स ऑफ अ पोयम, हु इज द पोएट। ठीक है, ये कह रहे हैं 56 में, मुझे लगता है मैं जानवरों से प्यार कर सकता हूँ, ये एक कविता की शुरुआती लाइन है, तो इसके पोएट कौन है ये आपको बताना है। तो इन फोर ऑप्शन में से फ्रेंड्स आप बताएं कि इस फोर ऑप्शन में से राइट क्या है, तो ये वॉल्ट व्हिटमैन है, राइट आंसर इसका ए है। ठीक है, वॉल्ट व्हिटमैन राइट आंसर इसका ए है, ये पोयम की ओपनिंग लाइन है और इसके पोएट है वॉल्ट व्हिटमैन। 57 क्वेश्चन को देखते हैं, नेम द पोएट हु वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय जैक्सोनियम डेमोक्रेसी एंड लोकोफोको मूवमेंट। ये इस बात को कह रहे हैं कि उस पोएट का नाम बताइए जो जैक्सोनियम एंड लोकोफोको आंदोलन से प्रभावित था, तो वो कौन सा पोएट प्रभावित था ये आपको बताना था, तो वो थे वॉल्ट व्हिटमैन। वॉल्ट व्हिटमैन जो थे जैक्सोनियम डेमोक्रेसी लोकोफोको मूवमेंट से क्या थे, इन्फ्लुएंस्ड है यानी कि उससे प्रभावित थे, वॉल्ट व्हिटमैन डी इसका राइट आंसर है। 58 क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 58 ठीक है, 60 क्वेश्चन को देखते हैं, आइए। द ओल्ड मैन एंड द सी, ठीक है, फर्स्ट नोबेल प्राइज फॉर हेमिंग्वे द प्रोगनिस्ट इज, ये पीजीटी 2002 में पूछा था, ये आपको बताना है कि ओल्ड मैन जो है हेमिंग्वे को नोबेल प्राइज मिला था, तो इसका प्रोगनिस्ट कौन है वो आपको बताना है, तो उसका था फ्रेंड्स यस क्यूबन, अ क्यूबन फिशरमैन, राइट आंसर इसका ए है। 61 क्वेश्चन को देखते हैं, सेंटियागो इज द हीरो ऑफ हेमिंग्वेज नोबेल, ठीक है, जो सेंटियागो है वह हेमिंग्वे के किस नोबेल का हीरो है, ये पीजीटी 2005 में ये क्वेश्चन पूछा था, तो ये आपको इसका राइट आंसर बताना है। 61 का राइट आंसर है द ओल्ड मैन एंड द सी, राइट आंसर इसका बी है, सेंटियागो हेमिंग्वे की नोबेल जो है द ओल्ड मैन एंड द सी उसका क्या है, हीरो है, कौन हीरो है, सेंटियागो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 62 क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ कैडीज डॉटर इन द साउंड एंड द फ्यूरी। ठीक है, साउंड एंड द फ्यूरी में कैडीज की डॉटर का नाम आपको बताना है कि उसकी डॉटर का क्या नाम था, तो उसकी डॉटर का नाम था क्यूंटीन, सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, किसकी डॉटर थी, कैडीज की डॉटर थी साउंड एंड फ्यूरी की। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, हु इज द यंगेस्ट कैंसन चाइल्ड दैट हैड एक्स ऑर्डिनरी। ठीक है, आइए इसको देखते हैं, साइकिक पावर से इन द साउंड एंड द फ्यूरी। ठीक है, 63 क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्या कह रहे हैं कि द साउंड एंड फ्यूरी में सबसे कम उम्र का कामसन बच्चा है जिसके पास असाधारण मानसिक शक्तियां हैं। ठीक है, एक बार फिर देखेंगे, साउंड एंड फ्यूरी में एक बच्चा है, यंगेस्ट चाइल्ड है यानी कि कम उम्र का बच्चा है जिसका नाम है कैम्पसन। ठीक है, उसके पास मानसिक शक्तियां जो हैं वो उसकी असाधारण है, इन फोर ऑप्शन में से आपको बताना है कि वह कौन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं उसको, इसका राइट आंसर है सी, सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 64 क्वेश्चन को देखते हैं, हु इज रेफर्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स, यस ही इज एन इडियट बॉय हु स्लोबर्ड ऑल डे, ही कुड बी साइलेंस्ड ओनली बी कैडी। ठीक है,
ये आपको बताना है 64 में। यस, और ये देखते हैं, एक इडियट बॉय है, ठीक है, जो पूरे दिन बकवास करता रहता है, स्लो बेड करता रहता है, यानी कि ऑल डे, ठीक है, यानी वो पूरे दिन बकवास ही करता रहता है, उसको सिर्फ कैडी ही चुप करवा सकती है। तो वो कौन सा बच्चा है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ए, ठीक है, 64 का राइट आंसर है बेंजामिन, ठीक है। 65 क्वेश्चन को देखते हैं, हु सेड अबाउट मिल्टन, ठीक है, मिल्टन के बारे में कौन कहा, दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंशिएंट टू, ये कह रहे हैं कि यह आदमी हम सबको और प्राचीन को भी पीछे छोड़ देता है, इसको ये मिल्टन के बारे में किसने कहा है 65 में आपको बताना है। तो राइट आंसर इसका है जॉन ड्राइडन, जॉन ड्राइडन इसका राइट आंसर है। आइए 66 क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन यही कह रहा है फ्रेंड्स कि विच पोएम्स ऑफ जॉन मिल्टन आर फुल ऑफ एलिजाबेथन स्प्रिट जॉयस इन नेचर। ये क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि जॉन मिल्टन की कौन सी पोएम एलिजाबेथन की जो भावना प्रसन्नता से भरपूर है। तो आप सबको पता ही होगा राइट आंसर इसका ये है, हार्ट इन पोएम्स है, राइट आंसर इसका ए है। नेक्स्ट देखते हैं 67 देखते हैं, विच वन ऑफ दिस डिस्क्राइब्ड मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट एज द ड्रीम ऑफ अ प्यूरिटन फैलन और स्लिप ओवर हिज बाइबल। तो ये 67 में राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ले मार्टिन, राइट आंसर है इसका, ठीक है, राइट आंसर है। 68 को देखते हैं, वॉट इज डायरेक्ट एड्रेस, ये फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है, ये फिगर ऑफ स्पीच है, इसको आप देखेंगे, वॉट इज डायरेक्ट एड्रेस टू द डेथ टू द अब्सेंट और टू अ पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया, ठीक है, वह डायरेक्ट एड्रेस करता है डेथ को, ठीक है, आइडिया को, एब्सेंट को वो डायरेक्ट एड्रेस करता है। तो इन फोर ऑप्शन में से कौन सा है वो आपको बताना है। तो आप समझ गए होंगे वो है एपोस्ट्रोफी, ठीक है, राइट आंसर इसका सी है, ठीक है। 69 क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइंस, ऑल द परफ्यूम्स आर Of Orvia कैन नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड्स, ये बड़ी फेमस लाइन है, आपको पता होगा कि ये लाइन मैकबेथ की है, ठीक है, इसका अर्थ यही है फ्रेंड्स कि ऑर्विया का जो परफ्यूम है, जो इत्र है, आप उसको कितना भी अपने हाथ में लगा लो, जो हाथ खून से रंगे हैं उस पर आप कितना भी इत्र लगा लो, लेकिन वो उसकी जो खून की गंध है, वो जो हाथ पे खून लगा है वो मिटने वाला नहीं है। तो इसमें पढ़ा चढ़ा करके बात की गई है, तो आप बताएंगे ये है सी, सी इसका राइट आंसर है, हाइपरबोल है, ठीक है, राइट आंसर इसका सी है 69 का। हैप्पी फैमिलीज आर ऑल अलाइक, एवरी अनहैप्पी फैमिली इज अनहैप्पी इज इट्स ओन, हु सेड दिस। 70 का आप बताएंगे कि सभी सुखी परिवार एक जैसे होते हैं, हैप्पी फैमिलीज आर ऑल अलाइक, ठीक है, सभी सुखी परिवार एक जैसे होते हैं, एवरी अनहैप्पी फैमिली इज अनहैप्पी इज इट्स ओन, और ये भी कह रहे हैं कि हर दुखी परिवार अपना ही होता है, किसने कहा है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर इज इसका है लियो टॉल्स्टॉय ने की कहा है, ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। 71 को देखते हैं, ट्रूथ इज ऑलवेज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, हु सेड दिस। 71 में बताएंगे कि सच्चाई हमेशा कल्पना से अधिक अजनबी होता है। तो इन फोर ऑप्शन में से किसने कहा है, तो लॉर्ड बैरन ने कहा, राइट आंसर इसका ए है, राइट आंसर इसका ए है।
आइए यहाँ से ग्रामर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ग्रामर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। डायरेक्शन है फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है, इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं ये फिल हैं, इसमें आपको यस ब्लैंक्स हैं। आइए देखते हैं। यू गो फर्स्ट, ठीक है, यू गो फर्स्ट एंड आई, तो इसमें आप क्या फिल करेंगे? द सेल फॉलो यू, ये टीजीटी 2005 में पूछा था, तो राइट आंसर इसका ए है। ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। दिज पेपर ट्वीस वीकली, टीजीटी 2013 में पूछा था, इसको आप बताएंगे, ये अपीयर्स है। ठीक है, दिज पेपर अपीयर्स ट्वीस वीकली, राइट आंसर इसका सी है। 74 को देखते हैं। बट आई द टिकट्स By 4 o'clock tomorrow, पीजीटी 2004 में ये क्वेश्चन पूछा था। विल हैव बट, ठीक है, बट आई विल हैव बट द टिकट बाई 4 o'clock tomorrow, राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर इसका ए है। 75 को देखते हैं। इफ द पेशेंट इनफ मनी, सी कुड हैव गॉन टू कंसल्ट और स्पेशलिस्ट, ये पीजीटी 2004 में पूछा था, आप इसका राइट आंसर बताएंगे, तो इसका राइट आंसर है हैड। ठीक है, इफ द पेशेंट हैड इनफ मनी सी कुड हैव गॉन टू कंसल्ट और स्पेशलिस्ट, ये पीजीटी 2004 में पूछा था। माई पेरेंट्स वर अवे विजिटिंग रिलेटिव्स सो आई Decided to cut classes, ठीक है, ए इसका राइट आंसर है, ये पीजीटी 2004 में पूछा था। 77 क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें करेक्ट करना है, ये पीजीटी 2005 में पूछा था, विच सेंटेंस इज करेक्ट। ठीक है, इसमें सेंटेंस कौन सा करेक्ट है वो आपको बताना है। ए है, बी है, सी है, डी है, तो डायरेक्ट अपने आंसर की तरफ चलते हैं, तो इसका राइट आंसर है आई वॉन्ट डियर विद अ व्यू टू मीटिंग हिम, बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। 68 क्वेश्चन को देखते हैं। विच सेंटेंस इज करेक्ट, पीसीटी 2009 में ये क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड्स, तो इसके बारे में आप बताएंगे, तो आइए डायरेक्ट चलते हैं आंसर की तरफ। ही इंटर्ड द रूम, ठीक है, राइट आंसर इसका बी है, ही इंटर्ड द रूम। 79 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच सेंटेंस इज करेक्ट, ठीक है, 79 में कौन सा आपका करेक्ट है? द मीटिंग वॉज, ठीक है, एडजर्न द ओनिंग टू द वांट ऑफ क्यूरम, राइट आंसर इसका ए है, ए इसका राइट आंसर है। 80 देखते हैं, ये भी करेक्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको करेक्ट ही करना है। विच सेंटेंस इज करेक्ट, ठीक है, तो इसमें कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है। आई ईट मल्ली, यस, बी इसका राइट आंसर है। आई ईट मल्ली व्हेन आई एम हंग्री, ठीक है, जब मैं भूखा होता हूँ तो केवल खाना खाता हूँ। 81 को देखते हैं, 81 जो है, आइए ये भी करेक्ट ही है, इसको देखते हैं। विच सेंटेंस इज करेक्ट, ठीक है, इसमें करेक्ट है जो वही आपको बताना है, तो डायरेक्ट आपके अपने आंसर की तरफ हम चलते हैं। सी इसका राइट आंसर है, अनलेस द एक्सरसाइजेस रेगुलरली ही विल बी वीक, इसका सी इसका राइट आंसर है। ये पैसिव वॉइस के क्वेश्चन है, ठीक है, डायरेक्शन ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू पैसिव, ठीक है, ये एक्टिव है, इसको पैसिव में बनाना है, तो 82 जो है यहाँ से पैसिव के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो आइए देखते हैं एक्टिव क्या है। हिज बिहेवियर वेक्सेस मी समटाइम्स, ठीक है, यस, आइए देखते हैं 82 को देखते हैं। हिज बिहेवियर, ठीक है, वेक्सेस, तो आइए इसमें देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। 82 में देखते हैं कौन सा राइटर है। हिज बिहेवियर है, मी है, तो मी आपका यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो मी की जगह आई हो जाएगा,
यस आइए देखते हैं, समटाइम्स यस वेक्टर यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो जाएगा एट हिज बिहेवियर। बी को देखते हैं, आई एम समटाइम्स वेज विथ हिज बिहेवियर, आई एम समटाइम्स वेज ऑफ हिज बिहेवियर, आई एम समटाइम वेज बाय हिज बिहेवियर। राइट आंसर इसका क्या है, डी है। यहाँ पे एस लगा है तो ये यहाँ पे एम हो जाएगा, ठीक है। तो आई एम आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे एम होगा, ठीक है। समटाइम्स यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा बाय हिज बिहेवियर। राइट आंसर इसका डी है। 83 को देखते हैं, रेखा विल बाय अ बुक, ठीक है। रेखा एक बुक खरीदेगी, एक्टिव है तो इसका पैसिव कैसे आप बनाएंगे, तो इसके पैसिव बताना है आपको। पैसिव है इसका फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। अ बुक पहले सब्जेक्ट को उठाएंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब उठाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा बाय रहेगा और आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे अ बुक तो हो गया, विल के साथ बी आ गया, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, यहाँ पे बाय हो गया और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर ठीक है आपको बताना है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स 83 का राइट आंसर क्या होता है। यस बी देखते हैं, अ बुक हैज़ बीन, व्हाट विल रेखा। सी को देखते हैं, अ बुक सेल, तो सेल हो नहीं सकता, हैज हो नहीं सकता, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से ही आप पहचानेंगे तो आपको बहुत जल्दी पकड़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हैज हो नहीं सकता, सेल हो नहीं सकता, यहाँ पे हैज हो नहीं सकता, तो यहाँ पे विल है, विल के साथ हम बी का यूज़ करेंगे और आपका तो सब यहाँ पे सही दिख रहा है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका ए है, ठीक है, राइट आंसर इसका ए है। 84 क्वेश्चन को देखते हैं, द एनिमी हैज डिफीटेड आवर आर्मी, ठीक है। 84 में कह रहे हैं, आइए देखते हैं, यहाँ पे हैज दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे आवर आर्मी है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको क्या करते हैं, आवर आर्मी हो गया, आपका हैज के साथ बिन लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, बाय लगेगा और आपका ऑब्जेक्ट लगेगा। यहाँ पे देखिए हैड है, हैड का कोई सवाल ही नहीं उठता, यहाँ पे भी हैड है, यहाँ पे भी आवर, यस आर्मी हैज बिन ओवर द एनमी है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं, तो राइट आंसर आपका ए है, ठीक है, राइट आंसर आपका ए है। 85 को देखते हैं, सरकमस्टांसेस विल ओब्लाइज मी टू गो। 85 में आप बताएंगे, यस इसमें आप बताएंगे क्या है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स विल है, ठीक है। 85 में यहाँ पे विल दिया है, तो विल के साथ यस आइए आइए, यस यहाँ पे विल है, तो यहाँ पे मी है, ठीक है, मी है, तो मी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे, तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपका क्या सही है, ठीक है, ये पूरा सेंटेंस है नहीं, तो आई सेल बी ओब्लाइज्ड टू गो बाई सरकमस्टांसेस, ठीक है, राइट आंसर इसका बी है। 86 है, ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट है, इसको चेंज करना है। 86 में देखते हैं क्या कह रहे हैं, कि ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव ऑफ्टन टोल्ड यू नॉट टू प्ले विद फायर, ठीक है। ये कह रहे हैं कि उसने मुझसे कहा, आई हैव ऑफ्टन टोल्ड यू नॉट टू प्ले विद फायर, ठीक है, मैंने तुझसे एक बार कहा कि आग से मत खेलना है, ठीक है, आग से हाँ नहीं खेलना है। तो ये आप बताएं, आप इसको, ये आपका डायरेक्ट है, आपको इनडायरेक्ट बताना है, ठीक है, तो इनडायरेक्ट बनाना है, तो इनडायरेक्ट में इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर आप बताएंगे। तो आइए देखते हैं, ही रिमाइंडेड, ठीक है, मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट, ही की जगह फर्स्ट फॉर्म आई हो गया, ये हैव आपका हैड हो जाएगा, ऑफ्टन टोल्ड मी, यू जो है यहाँ पे मी हो जाएगा,
नॉट टू प्ले विद फायर, तो इसका राइट आंसर ए है। डायरेक्ट अपने आंसर की तरफ चलेंगे तो राइट आंसर इसका ए है। 87 क्वेश्चन को देखते हैं। 87 को आप क्या पूछ रहा है कि यू हैव ऑल डन वेरी बैडली इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया है रिमार्क्ड द टीचर। ठीक है, आप ये बताएंगे कि ये कह रहे हैं यस, आप सभी ने बहुत बुरा किया रिमार्क द टीचर। ठीक है, तो आप इस बात को बताएंगे कि 87 में आपका राइट आंसर क्या है। इसके पहले वाला क्वेश्चन फ्रेंड्स एक बार देखते हैं। 87 क्या कह रहे हैं, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव ऑफ्टन टोल्ड यू नॉट टू प्ले विद फायर। ठीक है, आइए 87 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें राइट आंसर आपको बताना है। 87 का राइट आंसर है सी, द टीचर रिमार्क्ड, देखिए द टीचर रिमार्क्ड, ठीक है, दैट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दैट हो गया, दे हैड आपका हैव जो है हैड में हो गया, ऑल डन वेरी इट वेरी बैडली, ठीक है, डन इट वेरी बैडली, राइट आंसर इसका सी है। राइट आंसर इसका क्या है, सी है। 88 क्वेश्चन को देखते हैं। सी रोट आई एम वेटिंग एंड वॉचिंग एंड लॉन्गिंग फॉर माई सन्स रिटर्न। कह रही हैं कि सी रोट, वह लिखी, आई एम वेटिंग, मैं वेट कर रही हूँ, वॉचिंग कर रही हूँ, लॉन्गिंग कर रही हूँ माई सन रिटर्न, अपने सन को क्या है रिटर्न वापस आने का। तो 88 में आप बताएं, 88 में राइट आंसर क्या है, आइए देखते हैं। सी रोट, सी वाज, यम वाज हो जाएगा, ठीक है, वेटिंग एंड वॉचिंग लॉन्गिंग फॉर हर सन्स रिटर्न, तो राइट आंसर इसका ए है। डायरेक्ट अपने आंसर की तरफ चलते हैं, टाइम बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है फ्रेंड्स। ठीक है, आपको क्वेश्चन जो है कि इम्पॉर्टेंट मिले, आपकी पढ़ाई अच्छे से हो, इससे मतलब है। ठीक है, तो 89 क्वेश्चन को देखते हैं। आइए 89 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द पुअर मैन एक्सक्लेम्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा विल नन ऑफ यू हेल्प मी। ठीक है, पुअर मैन, जो पुअर मैन है, गरीब ने कहा क्या तुम, यस, विल नन यू हेल्प मी, सहायता करेगा, वो इस बात को कह रहा है कि क्या कोई मेरी सहायता करेगा, पुअर मैन कह रहा है। तो आइए इसमें देखते हैं क्या है, यस, द पुअर मैन एक्सक्लेम्ड, ये तो सही है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, वेदर है, ठीक है, ये दे वुड हेल्प हिम, ठीक है, एक्सक्लेम्ड तो सब में है, ठीक है, वेदर का भी यूज़ किया गया है, नन ऑफ देम वुड हेल्प हिम, राइट आंसर मी, ठीक है, राइट आंसर इसका डी है, डी इसका राइट आंसर है। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दिया कीजिए। फ्रेंड्स जो भी क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं कि जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्प हो। बीच में प्रैक्टिस रुक गई थी, मैंने पोएम्स भी पढ़ाए हैं, प्रैक्टिस भी करवाई हैं, ग्रामर को भी मैंने डिटेल में पढ़ाया है अदर वीडियो में, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।